हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजा सुकेशी के बाण ने महारानी के गर्भाशय को जो हानि पहुंचाई, जो आघात किया था, उसका परिणाम ये हुआ कि महारानी फिर कभी गर्भधारण नहीं कर सकती। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम वैद्यराज जी। बैठिए। मैं जानता हूं महाराज, राज्यसभा ने राजकुमार असमंजस को अयोध्या का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। आप हमारी समस्या समझ गए, उसका हल भी आप ही को करना है, क्योंकि अयोध्या को उत्तराधिकारी देने की जिम्मेदारी हमारी है, अतः हमें दूसरी संतान चाहिए। आज मुझे अपनी असमर्थता पर क्रोध आ रहा है महारानी। मैं राजवैद्य हूं, मेरा कर्तव्य है राजकुल के दुख का निवारण करना, परंतु आज मेरी विवशता मेरा मुंह चिढ़ा रही है। क्षमा चाहता हूं महाराज, क्षमा कीजिएगा महारानी। अब तक जो मैंने सत्य छुपाया, आज नहीं छुपा सकता। आपको दूसरी संतान नहीं होगी। आपको याद है महाराज, दुंदुकी नगरी के सुकेशी से युद्ध करने के लिए आप तैयार हो रहे थे। कोई 20 वर्ष पहले की बात है। महारानी, आप युद्ध पर जा रही हैं? हाँ महाराज, जहां आप वहां मैं। परंतु आप गर्भवती हैं महारानी, इस अवस्था में आपको रणभूमि में नहीं जाना चाहिए। राजवैद्य जी, शत्रु हमें ललकार रहा है, मैं महाराज को रणभूमि में अकेले जाने की अनुमति नहीं दे सकती। विवाह के समय मैंने शपथ ली थी कि मैं परछाई बनकर महाराज के साथ रहूंगी, अर्धांगिनी बनकर हर कार्य में उनका हाथ बटाऊंगी। युद्ध भी तो एक कार्य है राजवैद्य जी, मैं जाऊंगी। मैं और महारानी आपके साथ युद्ध पर गई। युद्ध में राजा सुकेशी का छोड़ा हुआ बाण महारानी की पेट में घुसा। मैंने क्रोध में आकर सुकेशी की गर्दन उड़ा दी, सर धड़ से अलग कर दिया और महारानी को लेकर विद्युत गति से अयोध्या लौट आया। तब तक आपका संदेश मिलते ही मैं भी यहां उपस्थित हो गया था। मुझे याद है, रथ में ही महारानी को प्रसूति वेदना शुरू हो गई थी। राजा सुकेशी के बाण ने महारानी के गर्भाशय को जो हानि पहुंचाई, जो आघात किया था,
उसका परिणाम यह हुआ कि महारानी फिर कभी गर्भधारण नहीं कर सकती। क्षमा कीजिए महाराज, महारानी अब फिर से मां नहीं बन सकती।